हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्वाइन विथ योर सक्सेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्यों हुआ, दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। और वो पहला लेक्चर था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। उसके तहत जो है उसी की वजह से बुलाना पड़ा मैकाले जी को। मैकाले आए और उन्होंने क्या किया कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके धारा 43 के अंतर्गत जो चीज़ों का उल्लेख करना था, ठीक है, तीन मांगें थी, उन तीनों का उल्लेख किया और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया उसको। और शिक्षा उन्होंने ही, मैकाले जी ने ही आगे चल करके डाउनवर्थ फिल्टराइजेशन थ्योरी भी लाई, यानी शिक्षा का निषेधन सिद्धांत। किंतु शिक्षा उस स्तर से नहीं पहुँच पाया जैसा होना चाहिए था। फिर उसको आगे और बढ़ाने के लिए वुड को लाना पड़ा, वुड डिस्पैच आया। तो आप जानते हैं कि वुड को शिक्षा जगत का मैग्ना काटा कहा जाता है। इन्होंने हर एक यानी प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शिक्षा पर बखूबी बल दिया, काफ़ी ज़्यादा काम किया दोनों के लिए। फिर भी शिक्षा अभी उस स्तर से नहीं था जिस स्तर से शिक्षा को होना चाहिए था। अभी शिक्षा एक प्रकार से लोगों को लिपिक बनाने की तरह था। उसमें उनका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक इन सब का विकास नहीं, बल्कि एक प्रकार से उनको, उनकी जो शिक्षा थी वो रोबोट की तरह थी कि बस उनको एक प्रकार से ये रोबोट की तरह, लिपिक की तरह तैयार करना था ताकि वो कंपनी में काम कर सकें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आया फिर राष्ट्रीय शिक्षा का एक आंदोलन हो गया कि शिक्षा को एक प्रकार से लिपिक वर्ग से ना तैयार करके, बल्कि उनको उनमें सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, शारीरिक हर तरह से उनका जो है विकास होना चाहिए। और दोस्तों, उधर आपका लॉर्ड कर्जन 1905 में आया और वो क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन होते ही उधर आपका शुरू हो गया राष्ट्रीय आंदोलन और इधर जो है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। तो आपको बताते चलें कि 19वीं शताब्दी का अंत होते ही 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुआ और उसी समय बीजारोपण हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का बंगाल विभाजन के साथ। लॉर्ड कर्जन ने आकर के उन्होंने जो है प्रस्ताव रख दिया 19 जुलाई 1905 में, और फिर उसको 16 जो है अक्टूबर को उन्होंने क्या किया कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन हुआ यानी कि काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है बढ़ गए। और जैसे ही उधर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, वैसे वैसे इधर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भी तीव्र होता गया। यहाँ पे जो लोग थे वो अपने स्वदेशी शिक्षा की मांग कर रहे थे, चाह रहे थे कि हमको स्वदेशी शिक्षा मिले, राष्ट्रीयकरण शिक्षा हो। और इसी की, और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया जो देशप्रेमी थे। इस क्रम में क्या हुआ कि काफ़ी जो है उसमें कई जो उस समय जो समाज सुधारक थे, नेता थे, उन्होंने उनका काफ़ी सहयोग दिया साथ में रह करके। और उसमें उन्होंने कहा कि जो है हमें अंग्रेजी शिक्षा हमें संकुचित बना रही है, संकीर्ण बना रही है, हमको हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सब विकास को जो है नहीं किया जा रहा है शिक्षा के थ्रू बस, बल्कि एक प्रकार से हमको लिपिक वर्ग की तरह तैयार किया जा रहा है ताकि बस कंपनी में काम किया जा सके। तो इस चीज़ को उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और जो है कह सकते हैं कि विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए और एक प्रकार से राष्ट्रीय जो है शिक्षा आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसमें नेता लोग थे और जो समाज सुधारक थे उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। यानी श्रीमती एनी बेसेंट भी जो है थे, उन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा का निंदाकरण करते हुए, उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को और अधिक शीघ्रता और अधिक निश्चित रूप से निर्बल बनाने के लिए और इससे अधिक उपाय क्या हो सकता है कि जो बालक हैं उनको स्वदेशी शिक्षा का जो है दिया जा रहा है और उनके आदर्शों का जो है नाश किया जा रहा है, विनाश किया जा रहा है, उनमें भारतीय आदर्श खत्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर उन लोगों ने चर्चा किया कि भाई एक प्रकार से पहले तो अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र शिक्षा का स्तर अच्छा हो और अपना भारतीय स्वदेशी शिक्षा का अगर विकास रोकना चाहते हैं अगर, तो आपको क्या करना होगा कि पहले भारतीयों का कंट्रोल होना चाहिए उस पर। पहले तो भारतीय लोगों को जो है, भारतीयों को जो है भारतीय शिक्षा को विदेशियों के नियंत्रण से पहले मुक्त कराना होगा। और उनका, एनी बेसेंट का कहना था कि भारतीय शिक्षा पर जो है भारतीयों का पूरा अधिकार होना चाहिए और ऐसा नहीं है तो हम लोग तो पूरा तरीके से जो है इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रीमती जो है एनी बेसेंट ने अपने कहा विचार का उल्लेख करते हुए एक कथन में उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर और जब अपना भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण होगा तो अपने वहाँ तो क्या होगा, अपने यहाँ जो है धार्मिक भारतीय धार्मिक की भावना से परिपूर्ण एक संप्रदाय का निर्माण होगा और इससे जो है छात्रों के अंदर भक्ति ज्ञान नैतिक और अधिक अनेक प्रकार के आदर्शों का जो है उपस्थिति आ जाएगी या जागृत होगा। तो एक बनेगा स्वदेश प्रेम की शिक्षा तब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्वदेश प्रेम की शिक्षा, और जब लोगों में देश भावना भक्ति और नैतिकता ये सब जब अंदर इसकी शिक्षा जब अंदर जागृत हो जाएगी तो एक अच्छे यानी कि स्वदेश प्रेम की शिक्षा आएगी, ठीक है। यानी एजुकेशन अब अपरिटुलिज्म, ठीक है, यानी कि स्वदेश प्रेम की शिक्षा आएगी। तो स्वदेश प्रेम की शिक्षा का मतलब यह है कि अपने यानी वे जो छात्र होंगे अब वो अपने जो है देशभक्ति और स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करेंगे। यानी बेसेंट ने और भी संबंध में कहा, अपना विचार व्यक्त करते उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा स्वाभिमान तथा महान देशभक्ति के वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा जो राष्ट्रीय शिक्षा है वो स्वाभिमान तथा महान देशभक्ति के वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए और यह वातावरण भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास विज्ञान कला और राजनीति युद्ध उपनिवेशीकरण उत्पाद इन्हीं सब से जो है मिलकर के और इन्हीं के अध्ययन से ही मतलब लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि शिक्षा का आदर्श, भाई यानी कि शिक्षा का जब आप स्वदेश प्रेम की शिक्षा आएगी तो शिक्षा का आदर्श बढ़ेगा, ठीक है, शिक्षा का आदर्श बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा इस तरह से प्रदान किया जाए कि वह छात्रों के समक्ष पाश्चात्य शिक्षा के बजाय भारतीय शिक्षा के आदर्श को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस तरह से शिक्षा को प्रदान किया जाए कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके उसके आगे जो है अपना भारतीय शिक्षा आदर्श प्राप्त कर पावे और अधिक प्रभावी हो। और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श को स्पष्ट करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने और भी बातें कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा को भक्ति ज्ञान नैतिकता और भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और करने चाहिए और उनमें जो है भारतीय धार्मिक भावना का समावेश होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने और भी आगे कहा कहा कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश आदर्श है वो ब्रिटेन के लिए अच्छा है लेकिन भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए केवल भारत का ही आदर्श अच्छा है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि जो है शिक्षा का आदर्श को बताया कि वे जैसे ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन की शिक्षा आदर्श है वैसे भारत के लिए भारतीय शिक्षा ही आदर्श होगा। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश आदर्शों की समाप्ति, उन्होंने कहा जब हम लोग अपनी भारतीय शिक्षा को अपना लेंगे तो ब्रिटिश शिक्षा के आदर्श की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में पाश्चात्य शिक्षा पर बल, पाश्चात्य शिक्षा पे क्या हुआ कि अब रही बात जो है आपका जानते हैं कि अभी जो है नी बेसेंट ने कहा था कि भाई अपनी प्राच्य शिक्षा पर ध्यान दीजिए, किंतु पाश्चात्य शिक्षा पर बल देने की बात आए तो इसमें लाला जो है लाजपत राय का कहना था कि यूरोपीय भाषाओं साहित्य और विद्वान को भारत का प्रोत्साहन जो है ना देना मूर्खता व पागलपन है और अभी हमें उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना करा भी हमें जो है उनके यथोष्ट या श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त जो है नहीं हुआ है। उनका कहना था कि भाई अभी जो है विरोध करना ठीक नहीं है, अभी कम से कम उनके ज्ञान को सीख लिया जाए और तभी हम उनसे लड़ाई करने योग्य हो पाएंगे, तभी उनको हम टक्कर दे सकते हैं जब हमें उनकी शिक्षा का ज्ञान हो। तो अभी जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना मूर्खता होगा पागलपन होगा। तो ये रही पाश्चात्य शिक्षा पर बल लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। और सिक्स पॉइंट देखते हैं कि भारतीय भाषाओं पर बल, तो भारतीय भाषाओं पर बल है तो इसमें कहा गया कि भाई इसमें अपना भारतीय भाषाओं को जो है पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए अध्ययन अध्यापन के लिए और इससे क्या होगा कि अपने जो है भारतीय भाषाओं पर बल दिया जाए मिलेगा। और फिर व्यावसायिक शिक्षा पर बल, इसमें आप जान ही रहे हैं, इसमें बताया गया कि भाई ये जो भारतीय निर्धनता जीवन एक बहुत ही दुखद, ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा बल के बारे में, उन्होंने कहा कि जो भारतीय निर्धनता जीवन का एक बहुत ही दुखद तथ्य है और इसका मुख्य कारण है जो है शिक्षा के साधन का अभाव होना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी आनी चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व का अंत। उन्होंने कहा कि जब हम अपना सुदृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और हमको ज्ञान हो जाएगा, हर तरीके से बातों को समझने लायक हो जाएंगे और अपनी भाषा को अपने भाषा के द्वारा जो है हम सामाजिक और धार्मिक हर तरह से भावनाओं से प्रेरित होकर के और अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देंगे, तो होगा क्या कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व का अंत होगा और अंत हो जाएगा। तो अगला पॉइंट आया अंग्रेजी जो है प्रभुत्व का अंत, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं में इस बात की घोषणा की गई कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना में अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाए, ठीक।
तो जैसा कि इस रीडिंग से ही पता चल रहा है कि अंग्रेज़ी पर बहुत काम, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाए और अंग्रेज़ी को ना तो मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाए ना ही और ना ही तो माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। कहा गया ना तो ये ऑप्शनली में रहेगा ना ही इसको आप कंपलसरी सब्जेक्ट में रखेंगे, मतलब कि इसको आप इस भाषा को जो है आप अंग्रेजी भाषा को कोई महत्व नहीं मिलेगा। इसी संबंध में जो है और गांधी जी का विचार था, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि हमारे बालक या सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी का जो है माध्यम से नौकरी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसा मतलब गांधी जी कहते थे कि हमारे यहाँ के जो बालक हैं सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी के माध्यम को सीखे जो है प्राप्त किए शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बालिकाओं को अंग्रेजी का अध्ययन विवाह करने के लिए प्रमाण पत्र के रूप में जो है कराया जाता है। वो कह रहे थे कि जो है कहते हैं कि भाई मतलब अगर शादी अच्छा करना है, शादी अच्छे से हो, तो उसमें प्रमाण पत्र के रूप में उनको अंग्रेजी दिखाना पड़ता है कि भाई अंग्रेजी आ रहा है या नहीं। तो उसमें एक प्रकार से उन्होंने अवहेलना किया कि अंग्रेजी भाषा इस तरह से लोग उसको ले रहे हैं कि मतलब एक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा को इस तरह से, आज उन्होंने कहा कि जितना से लोग का टेंडेंसी है अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के वो ठीक नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने भी उसका विरोध ही किया और समाज में अंग्रेजी का धुन लगा कर बैठ गए हैं, ठीक है। और मेरे विचार में ये हमारी दास्ता और पतन के प्रतीक है। उन्होंने भी कहा कि लोग ये जो है गलत तरीके से सोच रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं है तो शादी अच्छी नहीं होगी, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा ये हमारा पतन है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद आया राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की प्रगति, ठीक है। तो अभी 1905 में आपको पता ही है कि बंगाल का विभाजन में जो है संपूर्ण देश में असंतोष की लहर फैल गई थी। जो छात्र पढ़ रहे थे वो भी उस दंगल में कूद पड़े थे। भारतीय और जो वहाँ पे छात्र थे उन सब में असंतोष की भावना आ गई थी। और इसी चीज़ को लेकर के क्या हुआ कि आगे काफ़ी जो है नेताओं ने भी इस सब में जो अच्छा आगे चल करके काफ़ी लोगों ने उसमें भाग भी लिया। नेता लोग तो थे ही और जो स्टूडेंट थे वो भी उसमें भाग लिए। और फिर क्या हुआ कि स्कूलों से उन जो है स्टूडेंट को बहिष्कृत कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि आगे चल करके फिर इसी क्रम में आगे बंगाल में कई नए स्कूलों का, हाई स्कूल का जो है स्थापना किया गया। दोस्तों आज इसी के साथ आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ख़त्म होता है और आगे फिर हम एक अगला टॉपिक लेकर के मिलेंगे इसी से जुड़ा हुआ।